क्या बात है, बाबू भाई को देखकर खड़े हो आप लोग का यहाँ क्या काम है? इस सवाल को मैं बताता हूँ, वो सब छोड़ो, पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं। परसों तुम दुबई के एक कंपनी के साथ डील करने वाली हो, ये बात मैं जानता हूँ। उस धंधे में मेरा एक अच्छा व्यवहार है, इसलिए बेटी तुम उस डील को छोड़ दो। हाँ, इसका मतलब ये धमकी है? जोसेफ के खून में यही प्रॉब्लम, कुछ अच्छी बात बोलने पर मानते ही नहीं। मतलब मेरे पिता को मारकर मुझे भी आप उसी तरह से रास्ते से हटाएंगे, ऐसा सोचिए मत। इस इलीगल महल को इनी जोसेफ के नाम पर रजिस्टर करवाऊंगी, जब मैं चाहूँ तब ये काम करवा सकती हूँ। तुमसे जो हो सके वो तुम करके दिखाओ। छोड़ो छोड़ो, मैं बोल रही हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कैसा लगा मेरा यहाँ आना इस बाबू कुट्टी को? इस बाबू कुट्टी के नाम को जब मैंने सुना था, मुझे लगा वो बहुत बड़ा इंसान हो सकता है, लेकिन इस तरह लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हो, धमकी देते हो। उस दिन महल के सामने उन गुंडे लोग को भेजकर तूने अपनी औकात तो दिखा ही दी थी भाई। अरे हम मसेरा ही है, मल्लापार से लेकर त्रिवेंद्रम तक बाबू कुट्टी हमेशा मसेरा ही है। चार पांच दारू की दुकान खोल कर इसलिए तुम मसेरा को हटाने की मत सोचो। इस तरह से मत करो हाजी भाई, तुमने अभी हाथ रखने की जो कोशिश की वो वासु के बिरादरी के एक गोद में पैदा नहीं हुए वैसे बहन के साथ। आमतौर पर वासु जब हिसाब किताब करता है चेहरा बिगाड़ता है, लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ। बदले में जो कल डील होने वाली है उसे हाजी भाई आप भी भूल जाइए। हे जीसस, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मम्मी आप चिंता मत कीजिए, वैसा कुछ तो हुआ नहीं है ना? वो तो सही है, लेकिन जो हुआ था उसे मैं भूल नहीं पा रही हूँ। सही वक्त पर वासु भाई नहीं आए होते तो? तुम लोग जरा चुप रहो। अच्छा, ऐसा कुछ होगा इसलिए मैंने इस डील के लिए मना किया। अंकल, इस डील को वाकई में करना है, ऐसा कौन जबरदस्ती कर रहा है? अगर इसके पीछे वासु ने हिम्मत दिखाई है तो एक बात याद रखना, उसे पकड़ने के लिए ऊपर के लोग भी हैं। पिताजी का बहुत बड़ा सपना था ये इंटरनेट सिटी बनाने का। गरीब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके जिंदगी में आगे बढ़े ऐसा सोचते थे। चाहे कुछ भी हो मैं उसका मुकाबला करूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। एनी, तुम बेकार में जिद मत करो। एलेक्स, क्या बात है, तुमने किसी को जुबान दी है क्या? ये एग्रीमेंट नहीं होने वाला। मेरे तीन बेटे हैं, जिसमें से बड़ा बेटा जो मंगलसूत्र बांधा है वो एक मर्द है, ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन मैं गलत था। ये तीनों बच्चों की नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, इस बात को मैं समझ चुका हूँ। मरने से पहले मेरे बेटे जोसेफ का जो सपना था वो जरूर पूरा होगा, होना ही चाहिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर निवासु बोलो। हाँ, एवरीथिंग रेडी सर? यस मैडम, लेकिन क्या हुआ? प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया। किस कारण से? वो लोग एक घंटा लेट है, 10:30 बजे का प्लान था। तो फिर दादाजी? वो भी उन्हीं के साथ आएंगे बोले। अरे बेकार की टेंशन मत लो, एक घंटे बाद ही आएंगे। तब तक आप और मैडम रूम पर ठहर सकते हैं, यही हमारे पास एक रास्ता है, चलो। प्लीज सर। सर आप यहाँ वेट कर सकते हैं? उस आदमी ने फोन किया होता तो हमें इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं थी। अरे उसे छोड़ो, जब देखो एलेक्स आदमी तो आएंगे ना, अभी बेकार में क्यों। रुको रुको रुको, चैनल वाले यहाँ आए हुए हैं। हेलो। अरे सुनो सर, यहाँ एलेक्स नाम का कोई रूम लिया है क्या? हाँ सर। कौन सा रूम? 206। हाँ? 206। 206? अरे बाप रे, बहुत सही टाइमिंग है। अरे? वैसे काम पूरा हो गया ना, चलो अब निकलते हैं। अरे? चलो चलो। सर हम लोग, अरे सारे डायलॉग अखबार में छपने के बाद।
हेलो हेलो हेलो, फोटो निकालो, अच्छे से फोटो निकालो। तुम यहाँ आकर खड़े हो जाओ। अरे हमने कुछ नहीं किया। तुम लोगों ने क्या किया है मैं कोर्ट में बताऊंगा। अभी तुम दोनों मियां बीवी चलो। ए जरा रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, इसे जाने दो। अरे छोड़ो, अरे खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, उठाओ इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो हटो, इसे लेकर जाओ। चलो चलो चलो, इसे भी ले जाओ, पकड़ो, लेके चलो। होटल में रूम लेकर रासलीला कर रहे हैं, लेकर जाओ इन्हें। अरे चलो चलो, सब लोगों को देखने ना दो, चलो लेके इसे, चलो चलो लेकर चलो इसे। अरे क्या हुआ? अरे बोल रहा हूँ ना, चुपचाप सीधे चलो, मुझे बताएगा कोई? अरे बोल रहा हूँ ना, चलो। अरे चलो। छाला वासु बोलता है अपने आप को। अरे गाड़ी रास्ते से हटाओ कीड़े कहीं के। अरे बेकार का गुस्सा मत कीजिए सर, उन्हें छोड़ दीजिए। अरे वासु तुम नीचे उतरो, मेरी बात सुनो। तुम जो खेल खेल रहे हो ना, वो मार्केट में खेलना, रास्ते में नहीं। सर ये यहाँ के इंसानों की भूमि है, यहाँ के लोगों के लिए छाला मार्केट और सड़क एक ही होती है। सर फिलहाल उन्हें नीचे उतार दीजिए, बेकार में वर्दी पर कीचड़ मत उछालिए। ये आदमी अच्छे से नहीं समझ पाएगा। क्या कर लोगे? रास्ता छोड़ो। हट रास्ते से। अरे चल, ये तमाशा क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। नहीं रुक जाओ। तुम लोग बोल रहे थे ना, कोई भी अपने बाप की औलाद है तो वासु की बीवी को हाथ लगा के दिखाओ। अच्छे घर की लड़की को किस तरह बदनाम कर रहे हो? हाथ लगाने से पहले तुम्हारा खून बाहर निकल आएगा। इस लड़की की इज्जत की नीलामी के लिए तुम लोग तुले हुए हो। इस लड़की पर जो दाग लगा है उसे मिटा सकते हो क्या? सर सर मैंने कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं निकाला सर। अरे चुप कर, इस तरह बिना इज्जत के गैर जिम्मेदार लोगों को छाता पकड़ने के लिए तुम मीडिया वाले साथ देते हो। अखबार का धर्म क्या होता है ये जरा भी पता चल जाएगा तुम लोगों को। वो इस गांव में जीवित है लेकिन इंसानियत ऐसे खुदगर्ज और नालायक लोगों के पीछे कैमरा ले जाने में नहीं है। मेरे और इस लड़की के बीच में संबंध को लेकर कुछ नई कहानी पकाने के लिए तैयार हो। अभी निकल जाओ चुपचाप यहाँ से। जाओ और जाकर साबित करो भगवा पहन कर नेतागिरी के नाम पे जो लूट मार कर रहे हैं उनमें से किसी एक को पकड़ कर जेल में अंदर करवाओ। उस दिन तुम्हारे सामने ये वासु इस लड़की को लेकर आएगा। अरे मार्टिन बेटा, अभी अहंकार निकाल कर तुम इस वासु के करीब आओगे ना तो इस बॉडी को मटन की शॉप पर काट काट कर कीमा बना दूंगा। आजकल तुम पुलिस के ऊपर भी हाथ उठाने लगे हो। हाँ, ये पूछने वाला तू कौन है बे? गरीबों के नाम पर पार्लियामेंट में जाकर बात रखने के लिए भी तुम रिश्वत लेने वाले गटर के कीड़े हो तुम। इस गांव और इस देश के श्राप हो तुम लोग जो ऐसे नेतागिरी करते हो। अगर कोई एक बाप की औलाद है तो सामने आकर टकराओ। वो छोड़कर अगर फिर से वासु के साथ भिड़ने की कोशिश की तो साला इस पैंट को उतार कर वापस छाला मार्केट में गुंडागर्दी पे उतर जाएगा वासु। ये बदनाम की धरती है, यहाँ कब कैसे चलना है वासु अच्छी तरह जानता है।